बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण के अपराधों पर लगाम लगाने और ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की गई। डिंडोरी जिले में पॉक्सो एक्ट 2012 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जन साहस सामाजिक संस्था की ओर से किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक शोषण की घटना यदि घटती है तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। पुलिस मामले की पूछताछ और जांच करते समय सिविल ड्रेस में हो और इसके साथ ही ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका होनी चाहिए इस संबंध में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन साहस जिला समन्वयक निकिता नेमा ने की। स्वास्थ्य सेशन रखा हुआ था जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में था और इसमें हमने ICDS विभाग से और महिला बाल विकास से और साथ में CWC और CO सर यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट सभी के साथ में मिलकर ये वर्कशॉप रखी है जिसमें हमने साइबर क्राइम को समझा है, किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, क्राइम में किस तरीके से चीज़ों को और कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सेम वैसे ही पॉक्सो पर हमने लिया। पॉक्सो में हमें लग रहा था कि हमें क्या क्या हमारे जो रिसोर्स पर्सन आए हुए थे देवा से उन्होंने पॉक्सो पर क्लियरिटी दी और चीज़ों को समझने की हमने कोशिश की। 10 तरीके से पॉक्सो हमारे साथ में रहने की और ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सभी विभागों के साथ में इसको किया है और सबका सहयोग भी भरपूर हो रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।